ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में बीजेपी पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और पार्टी दोनों ही निरंतर प्रगति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। मोदी सरकार की दूसरी पारी के पांचवा साल शुरू हो गया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का कमाल सभी ने देखा, लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनौती है साल 2024 के लोकसभा चुनाव की। इसके लिए पार्टी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत एक तीर से पार्टी दो निशाने साधेगी। बीजेपी पार्टी जून की दोपहरी में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। ये महाअभियान 30 जून तक चलेगा। पार्टी महाजनसंपर्क के जरिए लोगों को सरकार की 9 साल की उपलब्धियां तो बताएगी ही, इसी के साथ लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करेगी। जून की दोपहरी में सरकार संगठन के चेहरे, पदाधिकारी, कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर जनता का दरवाजा खटखटाएंगे, 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। इसके तहत हर लोकसभा में जनसंवाद रैली का आयोजन होगा। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी इस महाअभियान के लिए समय मांगा गया है। ये भी लोगों से बातचीत कर जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस आयोजन की जानकारी बीजेपी अध्यक्ष ने इस पूरे महाअभियान की जानकारी साझा की। बीजेपी का महाअभियान 1 से 20 जून तक लोकसभा स्तर पर 7 और विधानसभा स्तर पर 4 तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हर बूथ पर 21 से 30 जून तक 3 अलग अलग कार्यक्रम संचालित होंगे। इसमें संपर्क से समर्थन अभियान भी शामिल है। अभियान के तहत सरकार संगठन के लोग घरों तक पहुंचकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक बांटेंगे। लोगों से टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल भी कराया जाएगा। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि लोकसभा और विधानसभा स्तर पर किस तरह से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लोकसभा स्तर पर कार्यक्रम, हर लोकसभा में जनसभा, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री बनेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रभारी मंत्री उपलब्धियों पर करेंगे प्रेस वार्ता। हर लोकसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन व व्यापारी सम्मेलन होंगे। सोशल मीडिया पर सक्रिय और प्रभावी लोगों से संवाद। सांसद पदाधिकारी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। हर लोकसभा में 1000 विशिष्ट लोगों से संपर्क और संवाद। पूर्व पदाधिकारियों, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, 9 साल के काम पर चर्चा। बीजेपी की खासियत रही है कि बीजेपी बूथ स्तर पर काम करती है, जमीनी तौर पर लोगों और कार्यकर्ताओं से जुड़ती है। बूथ स्तर पर कैसे अभियान चलाए जाएंगे अब आपको बताते हैं। 21 से 30 जून तक मंत्री, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता बूथवार घर घर संपर्क करेंगे। 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाएंगे। 25 जून को मोदी की मन की बात पर हर बूथ पर कार्यक्रम। हर लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहुंच सकते हैं, यानी हर घर को पीएम मोदी का इंतजार रहेगा। पीएम मोदी सहित कई बड़े दिग्गज लोगों से बातचीत करेंगे और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इस पर भी फीडबैक लिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ये प्लान लोकसभा चुनाव में जनता को अपने पक्ष में करने में सहायता देगा। अब देखना होगा कि इस महाअभियान से बीजेपी को कितना फायदा होता है।